नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को एक लाइव एक्सीडेंट दिखाया था जो करीब 115 किलोमीटर पर आर की रफ्तार में हुआ था। हालांकि वीडियो के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास नहीं थी। सेंडर ने बस इतना ही मेंशन किया था कि यह टाटा हैरियर के नाम से उसी के ग्रुप में शेयर किया गया है। हालांकि बाकी चीजें आपको वीडियो में तो दिख ही रही थी, लेकिन ये गाड़ी टाटा हैरियर नहीं थी बल्कि किया सेल्टॉस थी। और इस चीज की जानकारी रिसेंटली इसके ओनर ने मुझे कॉल करके बताई है। इसके अलावा जितना खतरनाक ये एक्सीडेंट हमको वीडियो में दिख रहा था, ये उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हुआ था, और उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एक बार फिर से ये डैश कैम फुटेज देखिए ताकि सब कुछ कायदे से समझ में आ जाए। मिस्टर विशाल जो किया सेल्टॉस के ओनर हैं, वो कर्नाटका के बैंगलोर में रहते हैं। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम ये अपने फैमिली के साथ रात के समय NH50 से होते हुए जा रहे थे। गाड़ी में सर थे, उनकी वाइफ थी और बच्चे भी बैठे हुए थे। अब हुआ क्या कि एक जगह पर राइट लेन में यानी फास्ट लेन में चलते समय अचानक से गाड़ी के सामने ये भैंस आ गई और दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब वीडियो में तो आप सभी को यहीं तक दिख रहा होगा, लेकिन चीजें यहां पर रुकी नहीं थी। जैसे ही यह टक्कर हुआ, कार पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई। हालांकि विशाल जी ने ब्रेक वगैरह लगाकर इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। सेल्टॉस सड़क से नीचे उतरकर करीब 3 बार पलट गई। फोटोज में आप गाड़ी की हालत साफ देख सकते हैं, यह हर तरफ से काफी बुरी तरह डैमेज हो गई है। इम्पैक्ट से SUV का बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह के साथ पूरा फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है। पीछे की तरफ विंडशील्ड टूट गया, छत मुड़ गया, पिलर्स मुड़ गए और डोर्स में भी नुकसान देखा जा सकता है। ओवरऑल ये काफी डैमेज हो गई है, जिससे साफ पता चल रहा कि एक्सीडेंट कितना ज्यादा भयानक हुआ होगा। और यही वजह थी कि गाड़ी भी पूरी टोटल लॉस में चली गई है। तो भाई, नॉर्मली हाईवेज की स्पीड लिमिट 80 से 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। इस हाईवे की कितनी है वो तो नहीं पता, लेकिन गाड़ी यहाँ पर करीब 115 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है। और इस पर विशाल जी का कहना था कि वो लगातार कुछ गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे थे, इसीलिए रफ्तार थोड़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा सर ने यह भी बोला है कि वो रूल्स को फॉलो करते हुए हमेशा ड्राइव करते हैं और करीब 20 साल से ये ड्राइविंग कर रहे हैं और टोटल 8 लाख किलोमीटर से भी ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ है। इनका ये पहला एक्सीडेंट था जो अनअवॉइडेबल था, मतलब इस एक्सीडेंट को टालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था इनके लिए। और वाकई में ये तो है, आप देख कर समझ रहे होंगे कि ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट होना तय है, इसे रोक नहीं सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक और रीजन गाड़ी के हेडलाइट्स को भी बताया है। इसकी विजिबिलिटी कम होने की वजह से चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी, इसीलिए विशाल जी और भी कुछ समझ नहीं पाए। हालांकि अच्छी बात यहां पर यह थी कि गाड़ी में बैठे सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहन रखा था, आगे वालों ने भी और पीछे वालों ने भी, इसलिए उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, सभी सेफली बाहर आ गए। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, रोल ओवर वाले एक्सीडेंट्स में पैसेंजर्स को सेफ रखने के लिए सीट बेल्ट्स का ऑन रहना कितना जरूरी है। तो भाई, ये पूरी डिटेल थी इस एक्सीडेंट की। हालांकि एक चीज इसमें भी सेम है और वो है स्पीड। भले ही गाड़ी थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन है ये लिमिट से ऊपर। हालांकि कई सारे लोगों का ये मानना होता है कि इतनी स्पीड नॉर्मल होती है हाईवेज पर चलने के लिए, इससे कम चलेंगे तो गाड़ी लेने का क्या फायदा। लेकिन जैसा कि आपको इंडियन हाईवेज का सिचुएशन पता होगा, यहाँ कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। यही एक वजह है जो आप सभी से कहा जाता है कि लिमिट में रहकर ड्राइव करें, खासकर रात के समय। खैर, ये तो मेरी ओपिनियन है जो आप सभी के सेफ्टी के लिए ही है। बाकी सब कुछ देखने के बाद आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं।